दोस्तों स्वागत है आप सभी का एसएससी गुरु चैनल पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, अपने आज के मैराथन में जैसे मैंने आपको एक हिस्ट्री का मैराथन कराना, वैसे मैं अभी आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस कराने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ज्यादातर क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे इस क्लास में, ठीक है? तो बेनिफिट उठाइए इस क्लास का, ठीक है? और शेयर करिए मैक्सिमम जल्दी से। और बाकी अपनी रेगुलर क्लास तो इस चैनल पर एसएससी ग्रुप पे रोज 8 बजे होती है, ठीक है? तो वो तो अपन लोग करेंगे ही, लेकिन हम रेगुलर से हटके आज क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है? तो मैक्सिमम शेयर करना सारे के सारे, है ना? शेयर मैक्सिमम करना। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और बाकी रात को, कल रात को 8 बजे भी सेशन कराऊंगा मैं, मतलब मेरा अब ये रेगुलर 8 बजे आप एसएससी गुरु पे आके अच्छा कंटेंट पढ़ सकते हो, ठीक है? अनअकैडमी क्लास करेंगे, इसके बाद एक अनअकैडमी कॉम्पैक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो यार, अनअकैडमी कॉम्पैक्ट आपके लिए फ्री होता है ना, उसका बेनिफिट उठाओ, ठीक है? हर एक बच्चा बेनिफिट उठाओ, ठीक है? अनअकैडमी कॉम्पैक्ट। गुड इवनिंग भाई, लाइव अमन रेफर कोड यूज करो, अटेम्प्ट करो, आपकी स्कॉलरशिप आप ही के हाथ में हुई है, ठीक है? मेहनत करेंगे तो लाएंगे, ठीक है? स्कॉलरशिप में स्कोर, ठीक है? और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए हो सकता है आपकी, ठीक है? आप ही प्रैक्टिस करोगे, आप ही का बेनिफिट है। कोर्सेज आपके लिए लाइव नए भी कर दिए मैंने 25 अप्रैल से भी। देखो 16 अप्रैल को लाइव करते ही मैंने नया कोर्स लगा दिया, ठीक है? ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ठीक है? 16 अप्रैल का कोर्स बनते ही मैंने आपका ना 25 का भी अप्रैल का लाइव कर दिया कि आपको हमेशा नया ही कोर्स मिले, चाहे कभी भी आप पढ़ना स्टार्ट करो तो टॉप एजुकेटर बैच में आप कभी भी जुड़ सकते हो, ठीक है? लाइव अमन रेफर कोड यूज करके एसएससी गोल सेलेक्ट करके एडमिशन क्लिक करके मन सेलेक्ट करना आपको और लगाना इधर लाइव अमन रेफर कोड, ठीक है? तो ये तरीका रहेगा, शेयर करना मैक्सिमम बेटा। करंट अफेयर होंगे, दिमाग खोलने वाले, ठीक है? सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करो। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखो सारे क्वेश्चन ना नए हैं, ठीक है? सारे क्वेश्चन नए हैं ऑलमोस्ट जो मैं आपको अभी कराने वाला हूं आज। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द बैंक इशूड द इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स ऑन दिसंबर 2020, बताइए, ठीक है? लास्ट ईयर दिसंबर, लास्ट ईयर तो क्या ही कह सकते हैं, दिसंबर है तो भैया यही साल हो गया, ठीक है? क्योंकि दिसंबर लास्ट मंथ हुआ है ना, तो भाई कौन से बैंक ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है लॉन्च किया? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अगर थोड़ी बफरिंग होती है ना उसके चक्कर में क्लास की टेंशन ना लिया करो कि भाई क्लास बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बफरिंग 2-3 मिनट की होती है बस, ठीक है? बताओ आंसर क्या इस क्वेश्चन का। काम के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, बैंक कौन सा है? एसबीआई। और एसबीआई का इलेक्ट्रोरल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोरल बॉन्ड है क्या बेटा? याद रखिए इलेक्ट्रोरल बॉन्ड ये है कि जो भी इलेक्शन में खर्चा होता है ना, उस इलेक्शन में खर्चे के लिए अब पार्टी जो है इलेक्ट्रोरल बॉन्ड ले सकती है, जो कि एसबीआई की देखरेख में होगा, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी कितना खर्चा कर रही है, और अगर ज्यादा खर्चा कर रही है तो उस पर इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, एक्शन कर सकता है। ये इलेक्शन में एक क्या बोलते हैं, इक्वालिटी लाने के लिए इलेक्ट्रोरल बॉन्ड लॉन्च किया गया भारत में इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और महत्वपूर्ण सवाल है पहले ही सवाल, ठीक है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया कि इलेक्ट्रोरल बॉन्ड ले सकते हैं अभी। देखो अगर मैं बात करूं ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी की, मतलब जो दुनिया भर में जैसे किसी देश में, अगर मैं यूके की बात करूं तो यूके में जो देश है यूके, यहां पर किसके नाम पे किसकी जमीन है, इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है? ब्लैक मनी कन्वर्जन इसमें कम होता है जब ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है। बताइए टॉप पे कौन सा कंट्री रहा, जल्दी से बताइए, ठीक है? टॉप पे कौन सा कंट्री रहा इस चीज को लेके, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और जो गोला लगा दिया वही जब गया सवाल। ये यूनाइटेड किंगडम ही है जिसका ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है? तो बेटा क्वेश्चन में सारे बराबर करा रहा हूं, काम के क्वेश्चन है A to Z, ठीक है? अब जैसे देखो कोरोना वायरस के इंपैक्ट से आप सभी जानते हैं कि इतना तो पता चल गया हेल्थ पे हमारा इन्वेस्टमेंट कम है, हमारी सरकार हेल्थ पे एक्सपेंडिचर कम कर रही है। तो सरकार ने हाल फिलहाल में 2025 तक अपना हेल्थ टारगेट जो है एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की कोशिश करी, ठीक है? अब कितना बढ़ाएंगे हेल्थ एक्सपेंडिचर, कितना बढ़ाएंगे, जल्दी से बताएं बेटा। अभी 8 बजे क्लास स्टार्ट हुई है, अब चलने दो जब तक चलती है। क्वेश्चन इतने सारे लेके आया हूं कि आपकी ये क्लास बहुत लंबी जा सकती है, ठीक है? ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना करंट अफेयर उठाते हो, क्योंकि पेपर तो सीएचएसएल का आएगा ना, आप ही के सामने आएगा पेपर सीएचएसएल का, उसमें इस क्लास के क्वेश्चन आ गए तो आप ही को अच्छा लगेगा कि यार क्वेश्चन आ गया, मजा आ गया आज तो, ठीक है? 2.5% इसका आंसर है, ठीक है? 2.5% एक्सपेंडिचर बढ़ाने की कोशिश है कि भाई सरकार अब जितना, सरकार ने तो इवन ये भी कर दिया है कि एमबीबीएस का जो तैयारी हो रही है, जो भी एमबीबीएस का कोर्स स्ट्रक्चर होता है उसमें
पेंडेमिक का एक मॉड्यूल डाला है कि अगर पेंडेमिक आ जाए, कोरोना जैसी चीज आगे आए तो डॉक्टर उसके लिए सक्षम थे, ये भी बदलाव आ सकता है, करंट अफेयर का पूछा सकता है। शेयर करना सेशन को, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइडेड टू ऑफर द मॉडर्न नर्सरी एजुकेशन। भाई कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कहा कि हम अपने ना आंगनबाड़ी में ना मॉडर्न नर्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करें फुल मस्त तरीके से एकदम, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आंगनबाड़ी में मॉडर्न नर्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला कौन सा राज्य है, ठीक है। अब ये राज्य कहीं ना कहीं तो अच्छा कर ही रहा है, जैसे कह सकते हैं कि एजुकेशन के मामले में, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। पहले ये राज्य ही फंसा था इन विवादों को लेके, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन, आंसर क्या है, मध्य प्रदेश ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है मध्य प्रदेश। अरे भैया टिक ही हो जाओ, ठीक है मध्य प्रदेश इसका आंसर है, ठीक है मध्य प्रदेश इसका आंसर। महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण सवालों में से एक, ठीक है। शेयर करो यार मैक्सिमम जल्दी से, है ना, यही क्लास है अपना, टाइमिंग 8 बजे। आपको कहो कि भाई कल क्लास होगी, आपको अश्योरिटी देता हूं मैं कल भी क्लास लेने वाला हूँ 8 बजे, ठीक है। आप इस टाइम को फिक्स रखो, हैशटैग अमन सर एसएससी गुरु जो है आप सर्च कर लो डायरेक्टली चाय पे, या फिर आप क्या सीधा क्या बोलते हैं इस क्लास में 8 बजे आ जाना, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट इसका आंसर है अमेरिका, ठीक है। इतना सारा पैसा अमेरिका ही दे सकता है, इतना सारा पैसा, ठीक है अमेरिका ही दे सकता है, ठीक है। चलो रोर ऑफ द सी, ये मैरिटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है, इंडिया किस कंट्री के साथ करता है, रोर ऑफ द सी फेमस एक्सरसाइज, ठीक। जैसे अगर मैं कहूं मित्रा शक्ति, मित्रा एक्सरसाइज, ओमान की एक्सरसाइज कौन सी हो सकती है बताइए इस क्वेश्चन आंसर। रोर ऑफ द सी एक्सरसाइज जो है इंडिया किसके साथ करता है, कमेंट करिए। एक महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है एक महत्वपूर्ण सवाल, एक उम्दा सवाल आंसर है इस क्वेश्चन का बेटा, कतार के साथ। किसके साथ, कतार के साथ। अभी जो एक होप मिशन चला है ना बेटा, होप मिशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है होप मिशन पे क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा। मतलब मैं आज आपको करंट अफेयर का बहुत अच्छा लेआउट दूंगा कि करंट अफेयर में आपको बेस्ट क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, बेस्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ करंट अफेयर नहीं पढ़ा रहा है। इस समय 8 बजे मैं आपको करंट अफेयर का बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है जो आने के चांसेस। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है रिपोर्ट फेमस है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। भारत का लास्ट ईयर का क्या रैंक रहा, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन आंसर के। गुड इवनिंग में, गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़ जाओ, शेयर कर दो मैक्सिमम, ठीक है। और नेट का अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता तो दिक्कत मत मानना, दिल्ली में मौसम खराब हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है तो आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, बस शेयर करो सारे के। 112 रैंक ग्लोबल जेंडर, देखो यार यहाँ पे जेंडर गैप क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि भाई मेल और फीमेल में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि इस रैंक से ही थे वी कैन सी कि भाई 112 रैंक बहुत पुरानी, बहुत लेट हो गया, ठीक है। हैशटैग सूर्य बेटा मिशन बताऊंगा, होप मिशन का क्वेश्चन आने दो। फुली ऑर्गेनिक फर्स्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बताइएगा, वर्ल्ड में पूछा गया, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना, ठीक है वर्ल्ड में पूछा गया आंसर क्या होगा। है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, याद रखिए सिक्किम। अब ये क्यों, क्योंकि बच्चे सोचेंगे सर वर्ल्ड लिखा हुआ है तो आंसर इंडिया, सिक्किम कैसे हो सकता है, भाई सिक्किम है, हो नहीं सकता, सिक्किम है, चाहे वो अपनी कंट्री का बोल लो चाहे आप वर्ल्ड का बोल लो, आंसर इज सिक्किम, फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट, ठीक है सिक्किम ही है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को शेयर करिएगा सारे के सारे बढ़िया तरीके से पूरी क्लास को, ठीक है। गोदान न्याय योजना किस स्टेट की योजना है, गोदान कहीं ना कहीं वर्ड सुनाऊंगा, है ना गोदान जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। गोदान नया योजना जो है ये किस राज्य की स्कीम है, एक किस राज्य की योजना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा सारे के सारे क्वेश्चन, है ना बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन ऐसे कवरेज करा रहा हूँ जो अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। आंसर इस क्वेश्चन का छत्तीसगढ़ इसका आंसर, छत्तीसगढ़ इसका आंसर है, पूछा जा सकता है आप सभी से, ठीक है छत्तीसगढ़ इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, संपदा स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, जल्दी से देखिए संपदा स्कीम जो है किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट की गई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है महत्वपूर्ण सवाल है ना। अब संपदा होता है समथिंग रिलेटेड टू फूड, खाने से संबंधित, ठीक है बेटा पीडीएफ कल भी मैंने कमेंट बॉक्स में डाला था, खाने संबंधित पीडीएफ मिलता है आपको 100% मिलता है, कल डाला था मैंने पीडीएफ, ठीक है। अब संपदा फूड है भाई, संपदा इज रिलेटेड टू फूड, फूड से रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑप्शन में दे रखा है ना, क्वेश्चन सोल्व करो, मतलब हिला के रख दो क्वेश्चन को, ठीक है यहाँ के रख दो क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, शेयर करना मैक्सिमम। बिग बाजार आप सभी जानते हैं भारत में एक बहुत बड़ा, ठीक है रिटेल चेन रहा है, लेकिन इस रिटेल चेन को किसने अब खरीद लिया, ठीक है
इस रिटेल चेन को किसने अब खरीद लिया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा, है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा, याद रखिएगा, रिलायंस ने, ठीक है, वेलमार्ट ने नहीं खरीदा है, ठीक है, बिग बाजार, वैसे अभी भी बिग बाजार है, बिग बाजार ही है, लेकिन बस खरीदा किसने है, रिलायंस ने खरीदा है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, बिग बाजार अब बेगाना हो गया। ठीक है, आंसर क्या है, जोराम बेगा फूड पार्क किस स्टेट में बेटा, जोराम से नाम से, ठीक है, जोराम के नाम से याद आ रहा होगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब ये जोराम है, मिजोराम, ठीक है, चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सारे क्वेश्चन सोल्व करो, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लें, इस क्लास का महत्वता क्या है, अगर आप 8 बजे आ रहे हो ना डेली बेसिस पे, अगर आप कल भी 8 बजे आते हो तो आपको ऐसे ताबड़तोड़ सेशन इसी चैनल में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज रैंक एज द टॉप रैंक, ठीक है, लास्ट ईयर में सबसे धाकड़ कॉलेज कौन सा रहा, कि मतलब सबसे गजब का कॉलेज भारतवर्ष में। ठीक है, अब बेटा ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो दे रखा है नीचे दे रखा है, मिरांडा हाउस, ठीक है, इसको ऊपर लिखना चाहूंगा, मैंने ऊपर लिख दिया तो आप समझ ही गए होंगे आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, मैं ऊपर कभी लिखता हूं, जब ही लिखता हूं जब जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, अब जरूरत पड़ गई है, आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। ठीक है भाई, टॉप पे कौन सा कॉलेज रहा, लास्ट ईयर की सारी अपडेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखो यार लास्ट ईयर के अपडेट पे ही करंट अफेयर बन रहा है इस समय, है ना, तो उसी करंट अफेयर को हमें पकड़ना है, मिरांडा हाउस इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर मिरांडा हाउस ही है। ठीक है, मिरांडा हाउस ही इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर क्या है, प्रधानमंत्री मोदी रिसेंटली लॉन्च द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट कितनी स्टेट में लॉन्च किया गया है, नया क्वेश्चन है करंट अफेयर के, जो जो नए क्वेश्चन है मेरे सारे इसी क्लास में डाले, मेरी 8 बजे की क्लास में हर एक नया क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, बताइए आंसर क्या, लाइट हाउस जो है कितनी स्टेट में, याद रखना 6 स्टेट में, या कोई बोलेगा सर कौन सी स्टेट में, कौन कौन सी स्टेट है, स्टेट की लिस्ट अभी आ जाएगी इसी क्वेश्चन में, मैंने सीरीज में रखा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, बताइए जीडीपी एस्टिमेशन कितना है बेटा, बताइए वर्ल्ड बैंक क्या बोले, अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं, बाकी सभी के एस्टिमेशन में इतने कहता नहीं हूं कि भाई एस्टिमेशन, ठीक है, सभी के याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है, सभी के एस्टिमेशन याद करना, ठीक है आप, ठीक है, ठीक है बेटा, याद रखिएगा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 4% इसका आंसर है, 4% इसका आंसर है, पूछा सकता है, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक का और दूसरी बार इसी साल का है, अपडेटेड क्वेश्चन है, अभी वर्ल्ड बैंक ने दिया है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है सूर्य यार 10 मिनट के लिए जा रहे हो, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पढ़ाई कर लो 10 मिनट में, बहुत क्वेश्चन निकल जाएंगे 10 मिनट में, 10 के 20 करा देंगे क्वेश्चन। बीएमस इज अ प्रोग्राम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से बताएं, बीएमस एक प्रोग्राम है बेटा, किस कंपनी, किस डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है, जल्दी से बताएं, अच्छा क्वेश्चन, बीएमस किस डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है, जल्दी से बताएं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बीम्स किसका प्रोग्राम है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री का प्रोग्राम। ठीक है, बीम्स किसका है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री का। ठीक है, प्रोग्राम एक हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड चीफ ऑफ ग्लोबल क्लाउड एशिया पैसिफिक डिवीजन, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इस क्लास में अभी क्वेश्चन उठा रहा हूँ, बहुत सारे कल भी उठाऊंगा 8 बजे। ठीक है, चीफ कौन बने ग्लोबल क्लाउड एशिया पैसिफिक डिवीजन के, ठीक है, चीफ कौन बने, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वता है इस सवालों की। ठीक है, पेपर में आने की महत्वता समझो। ठीक है, पेपर में आएंगे करण बाजवा। ठीक है, ठीक है बेटा, करण बाजवा जो है चीफ बने हैं ग्लोबल क्लाउड एशिया पैसिफिक डिवीजन के। ठीक है, ग्लोबल क्लाउड एशिया, ठीक है, जो गूगल की तरफ से स्टार्ट किया गया है ना, गूगल ने क्लाउड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, इतना फेमस श्रीलंका में लॉन्च हुआ था, गूगल का जो क्लाउड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ठीक है, उसमें करण बाजवा जो है ना एशिया पैसिफिक डिवीजन के चीफ बनाए गए। ठीक है, अच्छी क्वेश्चन के, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, का क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली ओपन अ न्यू ट्रेड रूट विद विच नेशन, देखो भाई भारत ने हाल फिलहाल में एक नया न्यू ट्रेड रूट लॉन्च किया है किस देश के साथ। ठीक है, मतलब अपना देश उस देश की तरफ कनेक्ट कर रहा है, जल्दी से बताइएगा किस रूट, कौन सा देश है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आंसर है भूटान।
ठीक है आंसर इसका भूटान, ठीक है भूटान इसका आंसर बेटा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है भूटान। स्टार्स इज अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो स्टार्स ये इस नाम से वैसे मैं पकड़ सकता हूँ बात को, ठीक है स्टार्स के नाम से, ठीक है मैक्सिमम शेयर करना बेटा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, स्टार्स के नाम से पकड़ सकते हो बात को, आंसर क्या होना चाहिए, स्टार्स किस डिपार्टमेंट का हो सकता है बताइए, किस डिपार्टमेंट का हो सकता है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है मैं आपको ना 9:30 के बाद एक क्लास भी कराऊंगा, ठीक है अन अकेडमी की, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डेफिनेटली ये स्टार्स जो है किससे संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित, ठीक है पढ़ाई से संबंधित। एक और क्वेश्चन देखो सोल्व करो, क्वेश्चन आपकी नजरों में जो आ रहे हैं ना, आज रैपिड फायर की जगह मैं ये करा रहा हूँ क्योंकि ये भी रैपिड फायर ही एक तरीके, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 में इनॉग्रेट किया अटल टनल, अब ये अटल टनल कौन सी स्टेट में, आसान है क्वेश्चन ये तो, ये तो आसान है कि भाई अटल टनल कौन सी स्टेट में, जल्दी से बताइए, ये हैबिट बना लो कि आपको एसएससी गुरु चैनल पर 8:00, ठीक है बेटा 8:00 जुड़ना ही जुड़ना है, ये समय है आपका, ठीक है दिस इज द टाइम व्हेन यू क्रैक जीके, ठीक है हिमाचल प्रदेश इसका आंसर, अगर आपसे जौहर टनल कहता ना यहाँ पे, ठीक है बेटा अटल टनल एनटीपीसी में 100 क्वेश्चन आया, एसएससी में भी आने के चांसेस हैं, ठीक है जौहर टनल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है बेटा जौहर टनल पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा याद रखिएगा, ठीक है ये भी जम्मू कश्मीर में है याद रखिएगा, ठीक है जौहर टनल ना बहुत इंपॉर्टेंट था पहले, ठीक है अब अटल टनल पे क्वेश्चन आने लगे, लेकिन दोनों याद रखो। हाँ जी बेटा, हाँ जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल आईटी फर्म, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है वर्ल्ड की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल आईटी फर्म, ठीक है कौन सी हो सकती है, ठीक है आपके पेपर लेती है ये फर्म, ठीक है आपके पेपर यही फर्म लेती है, मैंने हिंट दिया आंसर आप बताइए, ठीक चलिए आंसर क्या है, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है पेपर लेती है आपके, जल्दी से बताइए, ठीक है बेटा आंसर क्या है बेटा याद रखना, आंसर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का आंसर TCS, ठीक है पेपर लेती है आपके और वर्ल्ड की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल आईटी फर्म है इस समय TCS, ठीक है याद रखना वैल्यू है इसकी, TCS इज वेरी जेन्युइन इन दीज केसेस, की आपके एग्जाम भी अच्छे तरीके से ही हो रहे होंगे। इंडिया एम टू अचीव $5 ट्रिलियन का डॉलर इकोनॉमी, भाई बिल्कुल जैसे ईयर टारगेट रखा है ना थोड़ा सा पॉसिबल कम है, ठीक है लेकिन फिर भी लेट्स आंसर दिस, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया बन सकती है कौन से वर्ष तक, टारगेट इंडिया का जल्दी से बताइए बेटा, शेयर करो यार सेशन को, ठीक है जल्दी से शेयर करो बढ़िया तरीके से, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का ये भी बताओ, ठीक है आंसर क्या है बेटा याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कि भाई भारत बनने की कोशिश कर रहा 2024 तक, ठीक है और मुझे उम्मीद है बन जाएगा, ठीक है मुझे उम्मीद है बन जाएगा, ठीक है मुझे उम्मीद है बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करंट डेडलाइन सेट फॉर द इनकम टैक्स रिटर्न, ये फाइनेंशियल ईयर ये है ना और ऑप्शन में आपको अभी के वर्ष दे रखे हैं, अब आंसर बता दो भाई कितनी करंट डेडलाइन हो सकती है इनकम टैक्स रिटर्न की आईटीआर की, ठीक है आंसर क्या है बेटा 10 जनवरी 2021, ठीक है 10 जन इसको ना एक्सटेंड किया गया था, इसको एक्सटेंड किया गया था, ठीक है फाइनेंशियल लेकिन 19-20 की है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है 19-20 के फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम टैक्स रिटर्न का डेडलाइन था वो इतना था, ठीक है बेटा याद रखिएगा, ठीक है इतना था। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, गवर्नमेंट वांट टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस, अब ये ना क्या बोलते हैं एक लाइन है बड़ी फेमस लवली लाइन है, ठीक है लवली लाइन क्या कहती है, कहती है टीवी हारेगा देश जीतेगा, टीवी हारेगा बेटा और ये देश हमारा जीतेगा, कह रहा है कि कब तक, कह रहा है कब तक, हाँ जी बताइए कब तक जीतेंगे, ये तो है ना ट्यूबर क्लोसिस को हराना है कब तक हराना है, ये तो टैगलाइन है, ठीक है ये तो टैगलाइन है, ठीक है आंसर क्या बेटा, ये कहां से लॉन्च हुआ बेटा याद रखना, ये कहां से लॉन्च हुआ, ये दिल्ली से लॉन्च हुआ था, 2025 इसका टारगेट रखा है और टीवी को हराना है, ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा सकता है, ठीक है 2025 इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है बताओ अच्छा क्वेश्चन है, देखो अभी मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा इतना, ठीक है अभी करेंगे नहीं इस क्वेश्चन को, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है छोड़ेंगे। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये अच्छा क्वेश्चन है, जीडीपी रेट जो है फाइनेंशियल ईयर इसका कितना है, अब वही देख लो, ठीक है पहले क्या बताया था इस वर्ष में क्या बताया, 2020 का है, ठीक है समझ सकते हो आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है शेयर करिएगा बेटा जल्दी से,
ठीक है जल्दी से क्वेश्चन बेटा, दिल मांगे मोर है ना, तो क्वेश्चन सारे मोर आएंगे, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है आप बस पढ़ो एसएससी सीएचएस वाले एसएससी के सारे एग्जाम क्लियर करने हैं रात को 8 बजे। ठीक है इसी चैनल पे एसएससी गुरु, कल रात को भी क्लास इसी जगह पे, माइनस में सब कुछ -9.6। ठीक है -9.6 एक और क्वेश्चन देखिए, इंडिया का पहला पोलिनेटर पार्क, नया क्वेश्चन, कौन सी स्टेट में? ठीक है पोलिनेटर पार्क कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया, फर्स्ट पोलिनेटर पार्क ऑफ इंडिया कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया, अच्छे क्वेश्चन में से एक है। ठीक है अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा आंसर क्या, उत्तराखंड इसका आंसर है। ठीक है उत्तराखंड इसका आंसर है, पूछा सकता है। देखो पोलिनेटर पार्क अब उत्तराखंड में क्यों बेटा, पोलिनेशन से संबंधित है, पोलिनेशन कम्स इन फ्लावर एंड वैली ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, ठीक है उत्तराखंड, खेल गया क्वेश्चन है ना। ठीक है हिंट लो, पकड़ो बात को कि बात कहता क्या है, ठीक है कहां ले जाता है बात को। ठीक है एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट किए गए, अच्छा क्वेश्चन अपडेटेड पोस्ट के क्वेश्चन सीएचएसएल के पहली 2-3 एग्जाम से हुए उसमें जरूर आए। ठीक है तो वही क्वेश्चन हम पकड़ रहे हैं कि भाई सारी फेडरेशन ये आ चुका है। ठीक है ये सीएचएसएल में पूछ लिया, ठीक है चलिए बताइए और भी पूछ सकता है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो है इसके नए प्रेसिडेंट कौन बनाएंगे, जल्दी से बताएगा। ठीक है आंसर क्या है, ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन में जल्दी से बताएगा। ठीक है आंसर इसका संजय कपूर इसका आंसर है, संजय कपूर इसका आंसर है। ठीक है एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी चेयरमैन कौन है डीआरडीओ के, डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, अच्छा क्वेश्चन है सब जानते होंगे, डीआरडीओ के चेयरमैन तो आसान हो गया। ठीक है स्ट्रेंथ लाइज इन द साइंस, ठीक है अब ये जो लाइन है किसकी है, डीआरडीओ की है। ठीक है बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है बेटा याद रखिएगा डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, सारे क्वेश्चन सोल्व करो A to Z क्वेश्चन। ठीक है जी सतीश रेड्डी का आंसर, जी सतीश रेड्डी का आंसर। एक और देखो एक चीज है कि इसमें ना ऑप्शन में दे रखा है और अपडेट नहीं हो रखा शायद, ठीक है इसको अभी ठीक है देखते हैं। ठीक के सीवन तो भैया हट गए, ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का, ग्योटेड ठीक गाइडेड मल्टी लॉन्च टेक्नोलॉजी रॉकेट सिस्टम जो है फतेह 1, ठीक है रिसेंटली लॉन्च किया गया, अब ये फतेह जो है किस देश का है, ठीक है रॉकेट लॉन्चिंग है ये, ठीक है रॉकेट लॉन्च सिस्टम है ये किस देश का है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट करिएगा सारे के सारे, जल्दी से बताओ बेटा। क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट है A to Z क्वेश्चन, पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए इस क्लास में। ठीक है फतेह वन की अगर मैं बात करूं तो ये गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है ये किस देश का है, याद रखिएगा पाकिस्तान का। ठीक है आ सकता है क्वेश्चन पाकिस्तान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है राइट अंडर आर नोस नोबेल है किसका, जल्दी से बताएंगे हु इज द ऑथर ऑफ द नोबेल राइट अंडर आर नोस। ठीक है जल्दी से बताएंगे, ठीक है अब ये नया है अपडेटेड है ऑथर इस पे, इसलिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है इसलिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आंसर क्या है आर गिरिधर इसका आंसर है। ठीक है आर गिरिधरन इसका आंसर है, ठीक है चलिए आंसर क्या है, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर गिरिधरन इसका आंसर है। ठीक है हु वाज द प्रोफेशन ऑफ सत्य, बता सत्यपोल का प्रोफेशन क्या था, इनका रिसेंटली इनका निधन हुआ है। देखो ये ओबेसिटी का करंट अफेयर है, ओबेसिटी का करंट अफेयर है तो पूछा जा सकता है ओबेसिटी का करंट अफेयर, शेयर करना मैक्सिमम सारे के सारे, जल्दी से शेयर करना सारे के सारे, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर सत्यपोल जो है किससे संबंधित है। ठीक है चलिए आंसर क्या बेटा, याद रखिएगा एक फैशन डिजाइनर रहे हैं। ठीक है क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट माइकल कोंडो इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ, अब ये किस खेल से संबंधित है, इनका गोल्ड ब्रॉन्ज जो मिला है ओलंपिक में ये किस खेल से संबंधित, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर है हॉकी, ठीक है हॉकी इस क्वेश्चन का आंसर है, पूछा जा सकता है। ठीक है हॉकी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बेटा इस क्लास में आओगे रेगुलर 8 बजे तो पक्का होगा, लेकिन कंटिन्यूटी चाहिए इस क्लास में, कंटिन्यूटी चाहिए, ऐसे बिल्कुल एकदम आना और जाने वाला काम ना बेकार है। ठीक है हुल दिवस की अगर मैं बात करूं तो ये कौन से दो व्यक्तियों की याद में मनाया जाता है, 30 जून को, जल्दी से हुल दिवस क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हुल दिवस तो है कौन से दो व्यक्तियों की याद में मनाया जाता है हुल दिवस को, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
ये बेटा आंसर क्या इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा सिंदूर कन्नू इसका आंसर है, ठीक है सिंदूर कन्नू इसका आंसर है, पूछा जा सकता है। ठीक है एक और क्वेश्चन देखो सोल्व करो, ठीक है राघवेंद्र सिंह चौहान अगर मैं बात करूं, ठीक है ये नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, ठीक है पूछा गया कौन से हाई कोर्ट के, ठीक है बेटा सुप्रीम कोर्ट के जो नए सीजीआई घोषित किए गए वो तो आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के नए सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है पता ही है, लेकिन राघवेंद्र सिंह चौहान कहां के जो बनाए गए ये सीएचएसएल में क्वेश्चन आया अभी करंट अफेयर का, ठीक है ये भी सीएचएसएल में क्वेश्चन आया बेटा, याद रखिएगा आंसर उत्तराखंड, ठीक है उत्तराखंड इसका आंसर पोस्ट के क्वेश्चन, ठीक है अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, आज क्वेश्चन बहुत प्यारे आ रहे हैं, लेआउट क्वेश्चन है सारे के सारे, पढ़ने चाहिए आज के क्वेश्चन पूरे, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन आंसर। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के नए चेयरमैन कौन बनाए गए जल्दी से बताइए, ठीक है पता है पोस्ट है, पोस्ट के ऊपर क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, है ना पोस्ट पे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है ओवर इंडिया अगर मैं बात करूं जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है आशीष पेड, ठीक है आशीष नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको क्या है चेयरमैन अपॉइंट किया गया इसका, ठीक है दिमाग करेंगे, ठीक है चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है एक और क्वेश्चन देखिएगा, वर्ल्ड हिंदी दिवस ग्लोबली किस दिन मनाया जाता है जल्दी से बताइए, वर्ल्ड हिंदी दिवस ये आसान है, देखो भारत में भी नेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, दो क्वेश्चन तो अपने पकड़ में आते ही आते हैं, ठीक है ये दो क्वेश्चन तो करने करने स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन तो आएंगे यार, 10 जनवरी इसका आंसर है, वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन मनाता है, ठीक है वर्ल्ड मेटलर्जिकल डे किस दिन मनाता है, ये सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है करंट अफेयर के साथ स्ट्रेटेजी के पढ़ लेने चाहिए। इसमें से कौन सा देश जो है क्वाड का मेंबर नहीं है, बताइए कौन सा देश क्वाड का मेंबर नहीं है, सवाल ये कह रहा है कि कौन सा क्वाड का मेंबर नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो, ठीक है बेटा कौन सा क्वाड का मेंबर नहीं है, यूके नहीं है, ठीक है उत्तराखंड, ठीक है मतलब सॉरी यूनाइटेड किंगडम जो है जो मेंबर नहीं है। और क्वेश्चन देखिए, देखो प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है हर साल किस दिन मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस क्या है कि अपने जो अपने भारत के एनआरआई रह रहे हैं, ठीक है रेजिडेंस जो इंडिया का है नॉन रेजिडेंस इंडियन, ठीक है तो ये सब चीजें पूछी जा सकती है, उनके लिए बनाया गया, और ये प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है दिमाग रखिए 9 जनवरी को मनाया जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन आंसर क्या है। हां जी लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर, ठीक है देखो लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर की डिजिटल डिजिट्स कितनी है जल्दी से, कितने डिजिट है अब ये पूछा जा सकता है, ठीक है ये क्वेश्चन सारे नए हैं, ए टू जेड क्वेश्चन में आपको आज नए करा रहा हूं, इस क्वेश्चन आंसर क्या है, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा शेयर करना मैक्सिमम आंसर क्या इस क्वेश्चन का 20, ठीक है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की जो डिजिट वैल्यूज है वो कितनी है बेटा याद रखिएगा 20 वैल्यू, ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, सोल्व करो क्वेश्चन सारे आज नए नए क्वेश्चन देख लो, सूर्या सैलरी, ठीक है अच्छा ये शौर्य सैलरी अकाउंट जो है किस बैंक का, डिफेंस पर्सनल्स के लिए जल्दी से बताएगा, ठीक है शौर्य सैलरी अकाउंट जो है डिफेंस पर्सनल्स के लिए, ठीक है अब ये किस बैंक के अंदर जो मिलेगा, ठीक है जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने किसके साथ स्टार्ट किया, महत्वपूर्ण सवाल आंसर है बेटा बंधन बैंक के साथ, किसके साथ बंधन बैंक के साथ, एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए इंटीग्रेटेड एक्साइज नेम चैंग थैंग वाज कंडक्टेड इन, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है चैंग थैंग कहां पे इधर, अब नाम से वैसे पता चल रहा है इसका आंसर लद्दाख है, चैंग थैंग कहां पे लद्दाख में, ठीक है याद रखिएगा, ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बताइए, हाँ जी बताइए डील क्या है इंडिया और जापान ने, और देखो एक डील हुई थी साइन इंडिया जापान और किस देश के बीच में, ठीक है बताइए इन्होंने, ठीक है स्टेप बैक कर लिया डील जो था उससे पुल आउट कर लिया, बताइए कौन सा देश है जिसने इंडिया जापान के साथ जो पोर्ट टर्मिनल की डील हुई थी उससे स्टेप बैक कर रहा है, ठीक है बताइएगा पुल आउट किया जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है महत्वपूर्ण सवाल है पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन आंसर का, ठीक है याद रखिए आंसर इस क्वेश्चन का श्रीलंका, चलो एक और क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर सुबह 11 बजे वैसे मैं अनअकैडमी में कराता हूं, हां जी व्हाट इज द बेस पीरियड सेट फॉर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बाय, ठीक है आरबीआई, देखो
डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है ना कि मतलब हमारे भारत में डिजिटल पेमेंट कितनी बड़ी है उसका एक बेस ये रखा है कि भाई इसके हिसाब से देखेंगे वो कौन सा रखा है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या बेटा, कमेंट करिएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, मार्च 2018 रखा है। ठीक है, क्योंकि बेटा हमारे देश में नोटबंदी होने के बाद डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने की कोशिश की थी। ठीक है, जब नोटबंदी होने के बाद डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने की कोशिश की तो डेफिनेटली जो टारगेट रखा 2018 से ही रखा गया होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन है, कंसेप्ट है भाई क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इंडियन इलेक्शन कमीशन हैज बीन नेम्ड एज न्यू वाइस प्रेसिडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल एंटिटी, बताइए। इंडियन अशोक लवासा है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। ठीक, कमेंट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन में ऐसे करा रहा जो काम के क्वेश्चन है, बिल्कुल रेगुलर आओ इस क्लास में। मतलब अगर आप कल भी 8 बजे आते हो ना तो आप 8 बजे ऐसा जीके कंटेंट पढ़ोगे जो SSC को टारगेट करता होगा पूरा, चाहे वो GD है, MTS है, चाहे CHSL है, चाहे इवन CGL है। ठीक है, आंसर क्या है, आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक अशोक लवासा बनाएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करेगा। हाँ जी, देखो हमारे देश में लास्ट ईयर जो था सेकंड क्वार्टर, मतलब कह सकते हैं लास्ट ईयर में, ठीक है, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रोथ किया, जल्दी से देख, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रोथ किया लास्ट ईयर, कोरोना वायरस के समय में भी सबसे ज्यादा ग्रोथ किया ये सेक्टर, जल्दी से देख कौन सा सेक्टर। ए, कोरोना वायरस के समय में भी कौन सेक्टर ग्रोथ किया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, और आसान है क्योंकि कोरोना वायरस के समय में इन सब चीजों में और भी काम किया गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, यूनियन IT मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया, पूछा है किस कंपनी के पार्टनरशिप, मतलब कौन सी कंपनी के साथ मिलकर जो है IT मिनिस्ट्री ने बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया, जल्दी से बताएं। ठीक है, बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, गूगल इसका आंसर। ठीक है, गूगल इसका आंसर है। ठीक है, हू हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम BCCI CEO, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इंटरिम BCCI CEO आंसर क्या है, हेमन एमिंग। ठीक है, हेमन एमिंग इसका आंसर, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, 8 बजे की क्लास में डेली। ठीक है, व्हाट इज द टिक्की मोसी, ठीक है, माल न्यूट्रिशन से संबंधित जो है टिक्की मोसी क्या है, कमेंट करिएगा, नाम बड़ा गजब है भाई। ठीक है, माल न्यूट्रिशन से संबंधित जो टिक्की मोसी क्या है, कमेंट करिएगा। ठीक है, टेस्ट शोले पिक्चर की मोसी की तरह फीलिंग आ रही है, आंसर क्या है। बताओ भाई टिक्की मोसी क्या है। ठीक है, ये भी कुछ ऐसे ही अलग ही यूनिक पढ़ लिया हमने आज, टिक्की मोसी क्या है। ये बेटा टिक्की मोसी क्या है, ठीक है, दिमाग करके, एक मैस्कोट है, दिस इज अ मैस्कोट। अब कोई कहेगा कि सर ये मैस्कोट क्या है, बेटा आपने ना पहले कभी किसी समय में, ठीक है, एक ना एक बुजुर्ग महिला है, ठीक है, टिक्की मोसी एक बुजुर्ग महिला है जिनकी इमेज लगी थी, वो बहुत ज्यादा वीक दिखाई गई है। ठीक है, टिक्की मोसी तो ये मैस्कोट है माल न्यूट्रिशन का, जो बहुत ज्यादा वीक दिखाई गई। ठीक है, आप कभी सर्च करना टिक्की मोसी, एक महिला की फोटो आएगी जो बहुत बुजुर्ग दिखा रखी है, 120 साल की, जिनकी मतलब माल न्यूट्रिशन की शिकार है एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, स्टिप बेटा रिसेंटली न्यूज में आया, नेशनल पॉलिसी है बेटा, किस फील्ड से संबंधित, स्टिप नाम से पता चल रहा है, स्टिप किससे संबंधित हो सकता है, ये वर्ड कहता है कि आप बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, स्टिप क्या। ठीक है, शेयर करो टिक्की मोसी, ठीक है, शेयर करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, स्टिप क्या है, नाम से पता चल रहा है मेरे हिसाब से तो। हे बेटा आंसर क्या बेटा, पायल स्वामी 9:30 बजे वाली क्लास में पूछते हैं आपसे इसी चीज के बारे में, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, हे बताइए प्लाज्मा बैंक इनॉग्रेट किया गया इंडिया के कौन से शहर में, बताइए। PDF रजनी शर्मा 100% 8 बजे आ रहे हो ना, मतलब इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और 8 बजे रात को इसी चैनल पे, इवन कल भी आ जाना, कल भी आपको कंटेंट मिलेगा तगड़ा। ठीक है, ये क्लास आपके लिए 8 बजे रेगुलर बेसिस पे हो गया। ठीक है, प्लाज्मा बैंक इनॉग्रेट किया, आंसर दिल्ली, इसका आंसर आसान क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक, दिल्ली इसका आंसर आसान क्वेश्चन है, पूछा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, स्टेट ऑफ इंडिया मार्क द 6 जनवरी जर्नलिस्ट डे। ठीक है, 6 जनवरी को जर्नलिस्ट डे मनाता है, कौन सा स्टेट, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
ठीक है चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर है इस क्वेश्चन का महाराष्ट्र, इसका आंसर है ठीक है महाराष्ट्र इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए, अंडर हूज चेयरमैनशिप द सेकंड इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइए, ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है बेटा आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर इसका राजीव कुमार इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट इज द प्रोजेक्ट जीडीपी ऑफ इंडिया एज पर द आईसीआरए फॉर फिस्कल 2021। देखो देखो अपन लोग सभी का करें हैं तो आईसीआर का जीडीपी वैल्यू प्रोजेक्टेड जानने में क्या दिक्कत है, वर्ल्ड बैंक का जान लिए तो आईसीआरए का भी जान लेते हैं, ठीक है ना दिमाग पर रखिएगा, आईसीआरए का भी जान लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है पूछा आ सकता है, एक और क्वेश्चन शेयर करो यार मैक्सिमम 10.1% इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है इस साल बढ़ा दिया है, इस साल मतलब जैसे अगर मैं बात करूं ना, देखो इस साल में जीडीपी का अच्छा वैल्यू दिखाया जा रहा है हर जगह, कहीं पे 9.5 यही ऑन एन एवरेज वैल्यू चल रही है इस साल हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो इंडिया के बारे में बता रहे हैं, लेकिन पहले ये माइनस में चला गया था, इस साल की बात हो रही है, ये अपडेटेड क्वेश्चन है बेटा साल के साल, ये जो भी आपसे पूछ रहा हूँ। स्वच्छ सर्वेक्षण चलो ये लास्ट ईयर ही हुआ था, अभी तक हुआ नहीं है। क्लीनेस्ट सिटी कंट्री की कौन सी है, बताइए इस क्वेश्चन आंसर दीजिए, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री आंसर क्या है। स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार चलो आंसर क्या बेटा, 6:30 बजे भी एक क्लास, 9:30 बजे भी एक क्लास होगी, अन अकेडमी की अच्छी क्लास होनी है, इंदौर इसका आंसर है, ठीक है इंदौर इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है एज पर द रिपोर्ट ऑफ एलवरेज एंड मार्शल इंडिया, ठीक है ये नहीं करेंगे अभी क्वेश्चन, ठीक है बाद में करेंगे इस क्वेश्चन आंसर देगा, ठीक है श्री तिरुपति ठीक कुतुंब राव ठीक है पास हो गए रिसेंटली, किस प्रोसेस प्रोफेशन संबंधित है, ये प्रोफेशन बताइएगा, ठीक है जल्दी से देख क्या लगता है कि किस प्रोफेशन से होंगे। चलो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, जर्नलिस्ट है ठीक है फेमस जर्नलिस्ट है, पूछा जा सकता है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ये इसका आंसर है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, लास्ट ईयर का नहीं है इसी साल का है, ठीक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है कि भाई किस देश की पासपोर्ट वैल्यू जो है ना ज्यादा है, ठीक है जैसे अपना भारत का पासपोर्ट वैल्यू का कितना है, सिंगापुर का पासपोर्ट वैल्यू सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जापान का उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जापान का उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है इंडिया का रैंक क्या है इसमें, इंडिया का रैंक क्या है इसमें, ठीक है याद रखिए इंडिया का रैंक है 85 रैंक है इंडिया का, पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर 85। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है फोस्टिन अर्चिंग तुंद्रा हैज बीन रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज़ द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं फोस्टिन अर्चिंग, जल्दी से बताइए मुश्किल क्वेश्चन, ये नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पता होना चाहिए ठीक है धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, ठीक है आंसर क्या बेटा याद रखना आंसर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इसका आंसर है, ठीक है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ऑथर ऑफ द बुक पॉल्यूशन अच्छा पॉपुलेशन विद इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड द पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है वैसे ये सही बात है, ठीक है इसके बहुत सारे रीजन भी बताए जा सकते हैं, ठीक है बताइएगा पॉपुलेशन विथ इस्लाम फैमिली एंड ये सब किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई, आंसर के एस वाई खुरेशी के द्वारा, ठीक है एस वाई खुरेशी के द्वारा, ठीक है बताइए मैं नॉन पॉलिटिकल क्वेश्चन करा रहा हूं, बस ये है कि किताब फेमस हुई है तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है इंदिरा जोसफ वेन्योर की अगर मैं बात करूं ये किस फील्ड से संबंधित रहे, जल्दी से सारे आज ओबीसी के क्वेश्चन हो जाए, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रॉडकास्टर्स, ठीक है ब्रॉडकास्टर। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर पार्टी टू अब्राहम अकॉर्ड, बेटा तीन देश है जो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा है, तीनों देशों में से बताइए कौन सा पेयर सही है, ठीक है अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा आंसर क्या हो, ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताएं।
ठीक है चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का बेटा, याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर इसराइल द यूएई और अदर ब्रदरहुड, ठीक है दिमाग रहे तीनों के तीनों। ठीक है देखो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है ना इसका नाम बदला गया है, ठीक है नाम कुछ क्या बदला गया, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है पूछा जा सकता है। ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, ठीक है शेयर करो मैक्सिमम जल्दी से बताओ। ठीक है आंसर क्या है क्वेश्चन का, आंसर इसका है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का आंसर है। क्वेश्चन देखो ठीक है नील सहेन की अगर मैं बात करूं ये रिनोन जर्नलिस्ट थे, ठीक है पूछा गया किस कंट्री से, जल्दी से नील सहेन जो है रिनोन जर्नलिस्ट थे एक, ठीक है पत्रकार थे किस देश से संबंधित थे, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है चलिए आंसर क्या बेटा याद रखिएगा किस देश से संबंधित है, आंसर है अमेरिका से नील सहेन। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच कंट्री हैज टॉप्ड द हेनले पासपोर्ट, अब देखो अभी इंडिया की रैंक पूछेगी इस वर्ष वाले में और आप कह रहा है टॉप पे कौन सा बताइए। ठीक है अब जापान सिंगापुर दोनों ऑप्शन में दे दिया आंसर के ऊपर, ठीक है अब ये जापान और सिंगापुर दोनों ऑप्शन में दे दिया तब दिक्कत की बात है आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का। ठीक है कमेंट करिएगा सारे के सारे फोकस से आंसर बताओ, अच्छा क्वेश्चन है पूछा सकता है। ठीक है याद रखिएगा आंसर इस क्वेश्चन का जापान, जापान लास्ट कितने सालों से सबसे टॉप पे है, ठीक है इंडेक्स के मामले में, ठीक है लास्ट कितने सालों से सबसे टॉप पे इंडेक्स के मामले में, एक और क्वेश्चन देखिए। ठीक है हुड्डा सिंह अगर मैं बात करूं ये किस वेटर लीडर थे, अब ये पार्टी वाले क्वेश्चन तो नहीं करेंगे छोड़ेंगे, एक और क्वेश्चन देखिए ये नहीं कर रहा स्किप मारेंगे इस क्वेश्चन आंसर दे। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेक्शन 2021 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है कौन सा इस वाल जो इस वर्ष का हुआ है ना क्योंकि 9 जनवरी को हो जाता है तो इस वर्ष का 9 जनवरी को हो गया तो ये कौन सा एडिशन था, कौन सा एडिशन और अच्छा क्वेश्चन कौन सा एडिशन था, अच्छा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का बेटा याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है 16। मैं भी ना 9:30 बजे भी एक क्लास कराऊंगा अनअकैडमी की, ठीक है अनअकैडमी क्लास कराऊंगा, अगर आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो इंडियन पॉलिटिक्स यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक काम का सेशन होगा ये। ठीक है बताइए विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड भरोसा सेविंग अकाउंट, बताइए कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने भरोसा सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। ठीक है आंसर क्या बेटा याद रखिए एयरटेल पेमेंट बैंक। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है बताइए विच व्हाट इज द नेम ऑफ वैक्सीन डेवलपर भारत बायोटेक्निक बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है जो वैक्सीन कोरोना की जो लॉन्च की गई है इन दोनों के द्वारा उस वैक्सीन का नाम क्या है। ठीक है चलिए आंसर क्या बेटा, बेटा थ्योरी पढ़ाएंगे लेकिन पहले करंट अफेयर करना है, एमसीक्यू कर लो पेपर में ज्यादा फायदा एमसीक्यू से होगा, जैसे अभी पेपर आ रहे हैं ना सिर पे है पेपर भाई, ठीक है मंडे को पेपर है, ठीक है तो उस हिसाब से एमसीक्यू ज्यादा फायदा देगा। ठीक है जहां तक मेरी ठीक है नॉलेज कहती है कि एमसीक्यू ज्यादा फायदा होगा आपको भी कोवैक्सीन, ठीक है थ्योरी का भी फायदा होगा लॉन्ग टर्म में, अगर आप 3-4 महीने बाद पेपर देने वाले हो जीडी का उसमें थ्योरी चाहिए और, ठीक है अभी आज हम पूरा कर रहे हैं सीएचएसएल तक का भी कर रहे हैं। आंसर क्या कोड़े कराए वाइल्ड सेंचुरी जो है न्यूज में आया पूछा गया किस स्टेट का है, अरे घोड़े कराए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो किस स्टेट में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा जल्दी से बताइएगा सारे के सारे, ठीक कमेंट करिएगा सारे के सारे आंसर क्या है। ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु इसका आंसर, ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए। ठीक है बताइए नेशनल यूथ डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा। ठीक है नेशनल यूथ डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। ठीक है आंसर क्या है 12 जनवरी इसका आंसर है, ठीक है 12 जनवरी इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑपरेशन क्लीन आर्ट किससे संबंधित, जल्दी से बताइएगा। ठीक है मैंगूस जल्दी से बताइएगा ऑपरेशन क्लीन आर्ट किससे संबंधित, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
ठीक कमेंट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, ठीक है अच्छा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिएगा, ठीक है। वैल्यूएबल क्वेश्चन, देखो यार ये ना कर्व करेगा इलीगल ट्रेड किसका, मैंगूस हेयर का। अब मैंगूस क्या है, मैंगूस एक तरीके का एनिमल का टाइप है, इसके हेयर्स ना बहुत सारी जगह पे यूज होते हैं, ठीक है ब्रशेज और ये सब चीजें बनाने में। एक और क्वेश्चन देखिए, ये नहीं कर रहे, स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पे लोकेटेड, जल्दी से स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पे लोकेटेड, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन सारे नए हैं, ठीक है ए टू जेड क्वेश्चन नया उठा रहा हूं मैं आपका आज, ठीक है काम का क्वेश्चन। मैं 9:30 बजे आपको एक अनअकैडमी का सेशन भी कराने वाला हूं, उसमें मैं पूरी ज्योग्राफी नए क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का बेटा, याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर है विजय वल्लभ स्मारक केंद्र जो है ये, वैसे करंट अफेयर नहीं छोड़ेंगे। एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड जो है किसे मिला है, विक्टोरियन गवर्नमेंट की तरफ से, जल्दी से बताएंगे, ठीक है ये बात को रखिएगा, ठीक है आंसर क्या बेटा याद रखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा सकता है। चलो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शेयर करिएगा आंसर क्या इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा आंसर शाहरुख खान, ठीक है शाहरुख खान इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, शाहरुख का भी आपने मोहम्मद अली तुगलक वाला भी सुना था ना, ठीक है पता है लास्ट ईयर का आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है कौन सा कंट्री होस्ट किया था, जल्दी सुन यार होस्टिंग कंट्री कौन सा था, ठीक ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, साउथ अफ्रीका होस्ट किया था, ये साउथ अफ्रीका होस्ट किया था लास्ट ईयर का अंडर 19 वर्ल्ड कप, ये जीता कौन था, ये जीता कौन था ये भी बता देना आप, जीता कौन था, ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है बताइए बेटा। ऊपर मैंने लिंक लगाया ना अनअकैडमी क्लास का है 9:30 बजे जो होगी, ऊपर चैट बॉक्स में लिंक दे रखा है, लगा लेना नोटिफाई कर लेना, ठीक है। अब ये फेयर एंड रिग्युलेटरी प्राइस जो है कौन सा शुगर केन के लिए दिया जाता है, पूछा गया कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये प्राइस जो है देता है, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, प्राइस वैल्यू कौन सा ठीक है जो है ऑर्गेनाइजेशन देता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करेगा सारे के साथ। ठीक है याद रखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, आंसर क्या इस क्वेश्चन है, कैबिनेट कम्युनिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, अरे इस क्वेश्चन आंसर ठीक है बेटा, जब चीन ने विड्रॉ कर दिया COP25 से तो होस्टिंग कंट्री कौन बना, जल्दी से बताइए, अच्छा क्वेश्चन ठीक है सोल्व करो अटेम्प्ट करो, ठीक है होस्टिंग कंट्री कौन बना होगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या, ठीक है महत्वपूर्ण सवाल है पूछा जा सकता है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, मैड्रिड इसका आंसर है, ठीक है मैड्रिड इसका आंसर है, होस्टिंग कंट्री कौन बना, मैड्रिड बना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, यूबीएस ने एस्टिमेट किया है जीडीपी भारत का और ये इस वर्ष का है तो ये पूछा जा सकता है यूबीएस के द्वारा, ठीक है यूबीएस के द्वारा कितना गया है, जल्दी से बताइए, ठीक है जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर का, सोल्व करेगा सर कहते हैं यूबीएस के द्वारा जीडीपी जो वैल्यू है इंडिया की कितनी रहेगी इस वर्ष की, ठीक है याद रखिए 11.1 एवरेज इतना ही चल रहा है 9 से ऊपर, ठीक है एवरेज 9 से ऊपर ही चल रहा है, वही क्वेश्चन में आ रहा है पूछा भी जा रहा है, ठीक है बताइए तानसेन सम्मान लास्ट ईयर का किसे मिला बेटा, तानसेन सम्मान एमपी गवर्नमेंट देती है, मध्य प्रदेश सरकार देती है, ठीक है अब तानसेन सम्मान जो है किसको मिला लास्ट ईयर का, जल्दी से बताइए मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया किसको, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश की सरकार जो किसको दी, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक है बेटा किसको दी तानसेन सम्मान, ठीक है पंडित सतीश व्यास को, ठीक है पंडित सतीश व्यास को दी, ठीक है एक बार क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है हाँ जी इंडियन आर्मी डे किस दिन ऑब्जर्व किया था, बताइए स्ट्रैटेजी के भी एक आधा क्वेश्चन उठा लो बीच में, ठीक है क्योंकि आसान है और इम्पोर्टेंट है, 15 जनवरी इसका आंसर है, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को ठीक है ऑब्जर्व किया जाता है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है एक्सटेंड किया गया किस जगह पे, किस लोकेशन पे एक्सटेंड किया गया, अब ये बच्चे करते हैं क्या है, बच्चों को लगता है जम्मू कश्मीर आंसर है, क्या जम्मू कश्मीर आंसर है बताइए, क्या जम्मू कश्मीर इसका आंसर है कमेंट करिएगा। जो 9:30 बजे वाली क्लास है उसका लिंक मैंने ऊपर डाल दिया है, लेकिन हम अभी ये क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं फिर ही करेंगे, ठीक है और कल भी मैं 8 बजे कराऊंगा यहाँ पे क्लास, ठीक है रेगुलर 8 बजे कराऊंगा मैं क्लास यहाँ पे, ठीक है बेटा याद रखिएगा रेगुलर 8 बजे मैं यहाँ पे क्लास कराऊंगा, ठीक है याद रखिएगा। चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, मेघालय इसका आंसर है। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर 2020 एज पर द फिच रेटिंग, अब ये लास्ट ईयर का है लेकिन देख रहे हो लास्ट ईयर आते ही माइनस में चला गया सब कुछ,
लास्ट ईयर के सारे ऑप्शन माइनस में आएंगे 9.4, ठीक है। टेस्ला इन हैज रजिस्टर्ड इज फर्स्ट फुल ओन सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया, जल्दी से देखो। टेस्ला INC, ठीक है, बताइएगा फुली, ठीक है, ओन सब्सिडरी है इंडिया के कौन से शहर की। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा आ सकता है। चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। आंसर क्या है, बेंगलुरु इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन, डैश हैज बिकम फर्स्ट हर घर जल स्टेट, ठीक है, हर घर में जल होना चाहिए, ये पहला राज्य बताइए कौन सा, जल्दी से कमेंट करेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बेटा PDF मिलेगा मेमोरियल, ठीक है, आपको ना PDF मिलेगा इसी के कमेंट बॉक्स में, और कल भी 8 बजे क्लास होगी, तो आपको रेगुलर क्लास हो रही है तो PDF तो 100% मिलेगा, ठीक है। SSC गुरु चैनल पे इस टाइमिंग पे फिक्स रखो, 8 बजे जुड़ना है डेली बेसिस, ठीक है। गोवा इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, सद्याल स्वरूप, ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए कौन सी कंट्री के, जल्दी से देख कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, कौन सी कंट्री के आंसर क्या है, किर्गिस्तान के, ठीक है, कहां के, किर्गिस्तान के। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इंडियन नेवी लॉन्च ऑपरेशन वेनिला, लास्ट ईयर लॉन्च किया था, ठीक है, स्टार्टिंग मंथ्स में, ठीक है, किस देश के लिए, जल्दी से देख किस देश के लिए लॉन्च किया था, ठीक, किस देश के लिए लॉन्च किया था बेटा, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा सकता आंसर के, मेडेस्कर इसका आंसर है, ठीक है, मेडेस्कर इसका आंसर है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काम का क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, विच इंडियन आर्म फोर्सेज कंडक्टेड सारेक्स एक्सरसाइज इन गोवा कोस्ट, गोवा कोस्ट पे सारेक्स एक्सरसाइज जो है, ठीक, कौन सी इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा जो है कंडक्ट की गई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। चलो जी, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कोस्ट गार्ड है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, शेयर करना मैक्सिमम जल्दी से, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। कह रहा है इंडियन आर्मी ने रिसेंटली 20 मिलियन USD का डील साइन किया आइडिया फोर्स टू बाय विच ऑफ द फॉलोइंग UAV, ठीक है, अनआर्म्ड, ठीक है, व्हीकल, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, ठीक है, एरियल व्हीकल होता है अननेम्ड जो है, ठीक है, एरियल व्हीकल होता है, अमेरिका से लिया इंडियन आर्मी ने, कौन सा, जल्दी से बताइए, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, स्विच इसका आंसर है, ठीक है, क्या आंसर, स्विच, ठीक है, स्विच इसका आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा बेटा, इस बार जो आर्मी डे 15 तारीख को हुआ था, 15 जनवरी को हुआ था, इसलिए अपडेटेड है, ये कौन सा एडिशन था, ठीक है, भारत ने अपने, ठीक है, आर्मी के कितने इयर्स पूरे करे हैं, जो आर्मी एडिशन कौन सा होगा, जल्दी से बताइए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आंसर है इस क्वेश्चन का 73rd, ठीक है, 73rd इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज बिकम सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन, ठीक है, इंडिया हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन फॉलोइंग नेशन, ठीक है, कहां पे, UK में। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये नहीं करना अभी फिच का, ठीक है बेटा, अभी 9:30 वाला जो अनअकैडमी का सेशन होगा उसका लिंक ऊपर लिखा हुआ है, इस लिंक को ओपन करके नोटिफाई जरूर कर ले, लाइव ऑन से स्किप करिए, क्लास होगी 9:30 क्लास होगी, ठीक है, याद रखें। रिसर्चर ऑफ विच कंट्री हैज डेवलप्ड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, मतलब कौन सी, ठीक है, कंट्री के जिसके रिसर्चर्स ने रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस जो है, ठीक है, एस्टेब्लिश करी है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, कमेंट करिएगा सारे सर, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का बेटा, याद रखिएगा, आंसर UK। एक और क्वेश्चन देखिए, वाजमीन अबोडे इज द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के नए, ठीक है बेटा, न्यू चेयरमैन और CEO, ठीक है, कौन अपॉइंट किए गए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से कौन अपॉइंट किए गए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा, कमेंट करिएगा सारे के सर, ठीक है, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का बेटा, कौन अपॉइंट किए गए, आंसर इसका सुनीत, ठीक है, शर्मा। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू ओन द राइट ऑफ कोल,
एक कोल राइट पहली कंट्री प्राइवेट कंपनी का नाम बताइए जिसके पास कोल राइट्स है, ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू ओन द कोल राइट्स, ठीक है, आंसर क्या है, सोल्व करो, उठाओ क्वेश्चन, आंसर क्या होगा, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा, जल्दी से सोचिए थोड़ा सा आंसर क्या होगा, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का बेटा, आंसर क्या है, स्टारटेक मिनरल रिसोर्स सब्सिडियरी अडानी ग्रुप, ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च किया गया, पूछा गया किसके द्वारा, ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, किसके लिए डेवलप किया गया ये ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, किसके लिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भाई ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन किसके लिए डेवलप किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, ठीक है, कमेंट करेगा आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन किसके लिए, पंचायती सिस्टम के लिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के लिए इसे डेवलप किया गया, अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक, कैटरीना शेख जो है कौन से देश की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी किस देश की, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, चलो आंसर क्या बेटा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक, ग्रीस इसका आंसर है, पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, फन जोन बनाया गया है कौन से रेलवे स्टेशन पे, ठीक, इंडियन रेलवे के द्वारा, पहला फर्स्ट जो है ना फन जोन है बच्चों के लिए, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कौन से रेलवे स्टेशन पे से, ठीक है, बनाया गया, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, जल्दी से लाइक शेयर करिएगा सारे के सारे, आंसर क्या है, क्वेश्चन अच्छे हैं आज के, है ना, ठीक है, चलिए आंसर है विशाखापट्टनम, इसका आंसर है, ठीक है, विशाखापट्टनम इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, वो एस ब्रोकन द एमएस धोनी रिकॉर्ड ऑफ विकेट कीपिंग डिसमिसल, ठीक है, T20 में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट लिया तो डेफिनेटली रिकॉर्ड तो टूटेंगे आप, ठीक है, एलिस हेलवे इसका आंसर है, क्वेश्चन है, पहला ड्रैगन ब्लड ओजिंग ट्री जो है कौन से देश में, कौन से राज्य में पाया गया, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, कौन से राज्य में पाया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है बेटा, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है असम, एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, सुरुलेली फेस्टिवल जो है ये कौन सी स्टेट, ठीक है, कौन सी स्टेट में सुरुलेली फेस्टिवल होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा, ठीक है, सुरुलेली फेस्टिवल जो है कौन सी स्टेट में होता है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, मणिपुर इसका आंसर, ठीक है, मणिपुर इसका आंसर है, विच टू साउथ एशियन कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड मेसल्स एंड रुबेला फ्री, ठीक, कौन सी दो साउथ एशियन कंट्री है जो मैसल और रबीला फ्री वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषित किया है कि भाई ये अब फ्री है, इंडिया ने हेल्प करी इनकी, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से बताइए, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है बेटा, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है ये सारे, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर है इस क्वेश्चन का श्रीलंका और मालदीव, ठीक है, ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, स्वामी सिस्टर्स, ठीक है, आंसर थोड़ा जल्दी बताना होता है, क्वेश्चन तभी तो सोल्व होंगे इतने सारे, है ना, एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड नेम, ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडियन कॉटन को कौन सा ब्रांड नेम दिया गया, मतलब इंडियन कॉटन इस नाम से जाना जाएगा, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा, इंडियन कॉटन अब इस नाम से जाना जाएगा, बताइए किस नाम से जाना जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, चलो आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है कस्तूरी कॉटन, इसका आंसर है, एक क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए, ठीक है, एज पर द IHS मार्क, ठीक है, छोड़ेंगे स्किप मारेंगे, ठीक है, इतने फेमस नहीं है, इनके ऊपर नहीं पढ़ सकते, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स लास्ट ईयर का इंडिया की रैंक क्या रही, जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया दीप घोषाल, ठीक है, रोज आया करो इसी बात पे, हम ये लाइन मार के, ठीक है, क्या सोचे थे, नहीं लौटेंगे, ठीक है बेटा, 8 बजे लौटना कल दोबारा, ठीक है, गलत, ठीक है बेटा, 8 बजे लौटना है, टाइमिंग क्या है, कल भी रात को 8 बजे लौटना है इस सेशन पे, इस चैनल पे, ठीक है, बताइए, ठीक है बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि भाई फार्मर्स की इनकम डबल कर देंगे इस साल तक, मतलब नेक्स्ट ईयर तक,
ठीक है, लेकिन कौन से ईयर के बेस पे बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है बेटा, आंसर क्या, इस क्वेश्चन का आंसर है 15। ठीक है, 15-16 के ईयर के बेस पे ये कहा गया कि करेंगे। ठीक है, चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ना कंपलसरी हो गया हर एक घर में, बताइए किस स्टेट में, जल्दी से किस स्टेट के हर एक घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए कंपलसरी। ठीक है, जल्दी से देखो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा सारे सारे जल्दी से बताइएगा। ठीक बेटा, अभी ना क्लास सीधा अन अकेडमी की 9:30 होगी, ऊपर चैट बॉक्स पे लिंक दे रखा है ना, इसको नोटिफाई करना, लाइव रेफर कोड यूज करके। क्लास 9:30 होगी अन अकेडमी की। ठीक है, आंसर क्या है बेटा, ये कहां पे किया गया, तमिलनाडु में, इसको कंपलसरी किया। ठीक है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सबसी पावर केबल कौन से दो देशों के बीच में लगने वाली है, जल्दी से देखा, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट जो सब सी पावर केबल जो है कौन से दो देशों के बीच में लगने वाली है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक, कमेंट करिएगा सारे सारे, सोल्व करो यार क्वेश्चन, सारे के सारे इंपोर्टेंट है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या बेटा, किसके बीच में, ठीक, यूके और डेनमार्क के बीच में, किसके बीच में, यूके और डेनमार्क के बीच में। ठीक है, यूके और डेनमार्क के बीच में ये पावर केबल जो है लगने वाली है सबसे। ठीक ठीक बेटा, 10 नहीं, बहुत क्वेश्चन है आज। ठीक है, आज से आज क्या मतलब, मैंने शुरुआत कर दिया अभी 9:30 आके देखो, ज्योग्राफी के हर एक क्वेश्चन नए मिलेंगे 9:30 अनअकैडमी क्लास में, ज्योग्राफी का हर एक क्वेश्चन नया मिलेगा। लिंक नोटिफाई कर लेना, जुड़ जाना, लिंक को ओपन करके रख लो। ठीक है, विच स्टेट इज कंसीडर्ड क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, सिटी की बात हो रही है अब। ठीक है, कौन सा शहर जो है लास्ट इस ईयर का राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण में, ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया। आंसर क्या इस क्वेश्चन, जल्दी चल देना। ठीक है, चलिए बेटा आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, छत्तीसगढ़ इसका आंसर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ इसका आंसर है, वर्ल्ड, ठीक है, ब्रेल डे, ब्रेल डे मतलब किसके लिए होता है बेटा, जो ब्लाइंड होते हैं। ठीक है, अब ये किस दिन, 4 जनवरी को बनाया जाता है। ठीक, किस दिन बनाया जाता है, 4 जनवरी को बनाया जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन बचे कर लो, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन बचे, ठीक है, सोल्व करो। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन मैं आपको कल भी कराऊंगा, मतलब ये 8:00 की टाइमिंग पे आप अच्छा कंटेंट पढ़ सकते हो डेली बेसिस पे, 8 PM पे इसी चैनल पे। ठीक है, 8 PM पे जीके होती है फुल, करंट अफेयर, जीके, साइंस, सबका इलाज यही पे SSC को लेकर। ठीक, चलिए आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, फर्स्ट एवर गोल्ड इन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप लास्ट ईयर जो हुआ था, ठीक है, इंडिया जीता है पहली बार गोल्ड। ठीक है, ठीक है, पहली बार कौन कौन जीता, भारत, इंडिया जीता है फर्स्ट एवर। ठीक है, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जल्दी से बताएगा, इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर प्रियंका राधा कृष्णन जो है किस कंट्री की, ठीक है, इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर बनी है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर क्या बेटा, न्यूजीलैंड इसका आंसर। आज 9:30 क्लास होगी, लिंक ऊपर, ठीक है, चैट बॉक्स पे। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन आंसर, ठीक है, बताइए। हाँ जी, विच कंट्री हैज एक्वायर्ड 74% स्टेक इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 74% स्टेक किस कंपनी के पास है, आंसर बेटा अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड के पास। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज मिडिल ईस्ट वाज डैमेज्ड ह्यूजली ऑन 4 अगस्त, अटैक हुआ था, पावरफुल ब्लास्ट हुआ था, कौन से शहर में, जल्दी से बताइएगा अगर पता है तो। बताइए, 8:00 फिक्स टाइमिंग रखो और 9:30 फिर लिंक देख लेना, ठीक है, नोटिफाई कर लेना। ठीक, क्लास होगी 9:30। आंसर है इस क्वेश्चन का, बेरेट इसका आंसर है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ये फाइनल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज गॉट टॉप पोजीशन अमंग द इंडियन सिटी इन ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स। ठीक है बेटा, कौन सी सिटी जो है इंडिया की, ठीक है, टॉप पोजिशन में ग्लोबल स्मार्ट सिटी में। ठीक है, बताइए, फाइनल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद 9:30 का क्लास का लिंक ऊपर नोटिस नोटिफाई कर रखा है, एक बार ही लिंक को ओपन करके लाइव ऑन रेफर कोड से नोटिफाई कर लेना, और फिर 9:30 छोड़ना, मैं आधे घंटे का गैप इसलिए दे रहा हूं, सो दैट यू कैन हैव सम रेस्ट, ए यू कैन हैव डिनर समथिंग व्हाटसोएवर, लेकिन 9:30 का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आज। ठीक है, दिमाग पर रखिए, हैदराबाद इसका आंसर है। ठीक है, तो फाइनल हुआ हमारे आज के क्वेश्चन, जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है बेटा याद रखना, अभी 9:30 जो क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, अभी मैं इस क्लास में 8:00 डेली क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको 8:00। ठीक है, याद रखिएगा, 8:00 मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना कनेक्ट करते हो।
याद रखिएगा 8 बजे मैं डेली क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, इसी क्लास में आपको मिलेगा। और अभी लिंक नोटिफाई कर लेना रेफर कोड यूज करके, लाइव अमन, जो ऊपर चैट बॉक्स पे लिंक दे रखा है ना, ठीक है, उसके लिए रेफर कोड यूज करो लाइव अमन। 9:30 बजे ऐसी क्लास होगी, दिल खुश हो जाएगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, ज्योग्राफी के ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक, तो आप इस रेफर कोड को यूज करके ज्वाइन करो, उस लिंक को नोटिफाई करो, 9:30 बजे मिलेंगे आप अन अकेडमी पे फ्री क्लास, ठीक है। बाकी आप इंडियन पॉलिटी सर्च कर सकते हो अगर आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो ये मैराथन, ठीक है, और डेली 8 बजे आओ इस क्लास में, ठीक ठीक चलिए। और जो भी बच्चा देख रहा है ना, साथ के साथ याद रखना कोर्सेज की नई डेट्स भी आ चुकी हैं 25 अप्रैल, तो जब आप कोर्सेज में जुड़ते, जैसे मान लो आप इनमें कोर्सेज में किसी में जुड़े आते हो, तो डेट 25 अप्रैल है, लाइव अमन रेफर कोड यूज करिए, जुड़िए, पूरी टीम से पढ़िए तसल्ली से। और ऐसे पेपर जो हो रहे हैं ना उनमें तो टीम से पढ़ लेना चाहिए, SSC कोड सिलेक्ट करके, क्वेश्चन क्लिक करना, मन सिलेक्ट करके, रेफर कोड लगाना, लाइव अमन, ठीक है, पूरी टीम पढ़ाएगी, पूरी PDF, डेली इंट्रैक्शन सब कुछ होगा। PDF में इसकी भी डालने वाला हूँ, ठीक है, कितने बजे होगी, ठीक है, कितने बजे अपनी PDF तो मैं आपको डाल दूंगा, 8 बजे क्लास होगी अपने, ठीक है, मिलते हैं आप सभी से, ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। सेशन को लाइक और शेयर करिए डेली बेसिस पे 8 बजे, SSC गुरु चैनल पर आइए, जुड़िए, ठीक है, मिलते हैं।